एवरीवन, जब आप लॉ कर लेते हैं तो लॉ करने के बाद किसका दिल नहीं करता कि वो एक वेल नोन वकील की हैसियत से पूरे मुल्क में जाना जाए, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग मशवरे होंगे कि आप एक वेल नोन लॉयर कैसे बन सकते हैं। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो सब मशवरे ठीक हैं, लेकिन उसमें से एक मशवरा जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी काम किया और बहुत सारे मेरे दोस्तों के लिए भी, मेरे कॉलीग्स के लिए भी, मेरे सीनियर्स के लिए भी काम किया, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट वन एडवाइस, सो दैट विल बी वेरी फोकस्ड वन एडवाइस, और वो आपको मदद करेगी कि आप एक नोन लॉयर बन सकें पाकिस्तान के अंदर। सो द टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव इट टू एवरीबॉडी इज कि वो है कि दैट यू स्टार्ट राइटिंग इन newspapers, that you start writing newspaper articles for national newspapers. और अगर national newspapers के लिए आप नहीं भी लिख सकते हैं, so now there are so many online portals and websites जहाँ पर आपके जो articles हैं वो publish हो सकते हैं। सबसे पहली advice, अगर आप article newspaper में लिखना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल्स पहले पढ़ने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ओपिनियन का जो पेज है वो कौन सा है और आर्टिकल्स किस पेजेस पे आते हैं। आप जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, करंट इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, ताकि आप उसके ऊपर फिर लिख सकें। जब आप लिखना शुरू करें तो सबसे पहले आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को बेहतर करें, आप अपने आपके पैराग्राफिंग को बेहतर करें। जब भी आप न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि उसके लिए एक इंट्रो होगा, ओपिनियन होगा, और उससे पहले भी एक उसका टॉपिक होगा। तो उसके बाद इंट्रो के बाद आपकी जो आप बात करना चाहते हैं उसके अंदर जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो होगा, और फिर लास्टली उसका एक कंक्लूजन होगा। सो इंट्रो पैराग्राफ मेन बॉडी एंड देन यू विल हैव द कंक्लूजन ऑफ योर आर्टिकल। तो जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं आपने इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है कि तीनों चीज़ें इसके अंदर ज़रूर हो। आप जो टॉपिक चूज़ करें वो करंट टॉपिक हो, कोई ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, आपके जो से पैराग्राफ्स हैं वो आप स्मॉल पैराग्राफ्स बनाएं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स ना बनाएं, फ्लावरी इंग्लिश मत यूज़ करें, 90s के ज़माने की अंग्रेज़ी मत इस्तेमाल करें, और बिल्कुल आसान अंग्रेज़ी इस्तेमाल करें जो आपके रीडर को ईज़िली समझ आ सके। जब भी आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के लिए तो याद रखें आपके फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप कोई कानून उसके अंदर कोट कर रहे हैं जो कि एज अ लॉयर आपको करना चाहिए, तो वो कानून भी गलत ना हो, आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, आपने प्रेसिडेंट्स पढ़े हो, ताकि आप लोगों को वो वाली इन्फॉर्मेशन दे सकें जो एक ले पर्सन नहीं दे सकता और एक जो लॉयर दे सकता है। जब आप अपना आर्टिकल लिखें अपने आर्टिकल के नीचे अपना ईमेल एड्रेस आप हमेशा ज़रूर दें, अपना नाम लिखें या एक लाइन में आप अपना बायो दे दें, बताएं कि आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और आई एम अ स्टूडेंट या जो भी आप कह रहे हैं, आप उसमें वो ज़रूर दें। अगर आपका आर्टिकल किसी नेशनल न्यूज़पेपर पे सबमिट करना चाहते हैं आप और आप चाहते हैं कि वहाँ पर हो, तो उसका तरीका ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से उनके जो एडिटर्स हैं, जो हेड एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं, उनके आप ईमेल एड्रेसेस लें और उनको अपना आर्टिकल जो है वो 1000 words का होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 900 words का भी ठीक है, बट नॉट लेस देन दैट। वो आप लिखें और उसके बाद अपनी तस्वीर के साथ और अपनी बायो के साथ आप जो है उसको भेजें और उससे पूछें कि इट मेरिट पब्लिकेशन, कि अगर ये पब्लिक इसको पब्लिश हो सकता है न्यूज़पेपर में कि नहीं, और अगर इसमें कोई कमी पेशी अगर बहुत कम हो तो जो पब्लिशर्स होते हैं दे आर नाइस पीपल, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सच पब्लिकेशंस, तो वो आपकी जो आपका जो आर्टिकल आता है उसकी वेटिंग भी कर देते हैं, उसको इम्प्रूव भी कर देते हैं, उसको बेहतर कर देते हैं। इसीलिए आप उनको जो सा है अपनी बायो के साथ विद आर्टिकल विद योर पिक्चर उनके ईमेल एड्रेस पर उनके वेबसाइट से लेकर आप ज़रूर भेजें। एक दफ़ा जब आप किसी न्यूज़पेपर से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि वो आपको ख़ुद कहेंगे कि प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग, और वो फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से अच्छे न्यूज़पेपर में पब्लिश होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर शुरू में आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं होता है तो आप समझें इस बात को कि वो नेशनल न्यूज़पेपर के शायद मेयार का अभी कंटेंट आप नहीं लिख रहे हैं, तो आप उसको जो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी इस वक्त ऑनलाइन पेजेस चल रहे हैं और जो आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और वो नेशनल लेवल पे उस तरह से पब्लिकेशन हाउसेस नहीं हैं, तो आप उनको ज़रूर भेजें। इस तरह की बहुत सारी लॉ की वेबसाइट्स हैं, आप उन पे भेजें, फेसबुक के बहुत सारे पेजेस हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप उस पे भेजें और आप वो आपका पब्लिश करें विद योर पिक्चर एंड विद योर बायो।
जब आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि पहले आप शुरू हो रहे हैं कि आपके व्यूअर्स थे पहले 10 व्यूअर्स थे, 15 व्यूअर्स थे, फिर 20 व्यूअर्स थे, फिर आपका नेशनल न्यूज़पेपर पे आना शुरू हो गया, फिर आपके हज़ारों व्यूअर्स हो गए, फिर उसके बाद आपने जब आपकी हैबिट डेवलप होगी और आप हर हफ्ते लिखना शुरू हो गए, फिर आपके लाखों व्यूअर्स हो जाते हैं। दिस इज़ समथिंग जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं पिछले कुछ 7-8 सालों से अखबारों के अंदर आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और बहुत रूटीन से लिखता हूँ, एंड आई हैव नोटिस दिस कि बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिनसे मैं मिलता हूँ तो मुझे कहते हैं नहीं, आई रेड योर आर्टिकल, दैट वॉज रियली गुड, या उसके अंदर तुमने कैसी बात लिखी थी, आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट। तो फिर उनसे उनके ऊपर बात होती है, और बहुत सारे लॉयर्स भी होते हैं जो फिर मेरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं और मुझे कहते हैं कि नहीं, आपने ये आर्टिकल लिखा था और इस आर्टिकल के अंदर कुछ चीज़ें थी जो हम चाहते हैं कि आप अगली दफ़ा और ऐड करो। तो दिस इज़ हाउ योर नेटवर्क ग्रोज, पीपल स्टार्ट गेट टू नो कि आप कौन हैं, आप क्या लिखते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। मेरे जितने भी केसेस होते हैं इवन मैं उनके बारे में भी आर्टिकल लिखता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव चाहे आपकी टीवी रिपोर्टिंग हो जाए, चाहे आपके अदालत के फैसले आ जाए, उसके बाद भी फिर भी कहीं ना कहीं कोई लूप होता है कि आप लोगों को बता सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस केस ऑल अबाउट। So this is my habit and I always do that, and I firmly believe that this is one of the main key to become a known lawyer in Pakistan. So if you would like to become a known lawyer in Pakistan, I think you should start writing for national newspapers or even all those websites or pages on Facebook jo aapka article publish kar sakte hain. If you have any problem writing your article or if you have any problem publishing your article, you can always write me in the comment section, and remember me, I'm going to help you. Thank you very much for watching this. I'll see you in the next vlog. Take care, bye.